बाकी ने पूरी लाइफ खुद को ताकतवर बनाने में लगा दी। लेकिन उसके फादर, जो धरती के सबसे ताकतवर इंसान है, जो उसको हमेशा कमजोर समझते थे, और उसके मां को मारने का फैसला करता है। बाकी अब 18 साल को हो चुका है। वो धरती के सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा होता है ताकि उसको अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका मिले। कहानी शुरू होती है एक रूमिना नाम के छोटे लड़के से, जो हाई स्कूल में जाके वहां के ताकतवर स्टूडेंट्स को चुनौती देता है। अब कुछ घंटे बाद रूमिना अपने ओपोनियंट का इंतजार करता है और उसके सामने बाकी आ जाता है। रूमिना के हाथ में एक चाकू होता है और वो सोचता है, बाकी दिखने में कमजोर है, ताकतवर इंसान नहीं है, ये ताकतवर स्टूडेंट नहीं हो सकता। बाकी अपना जैकेट उतरता है और लड़ाई के पोज में खड़ा हो जाता है। वो बाकी के मसल्स देखने के बाद रूमिना को एहसास होता है उसने गलती कर दी, और वो डर के मारे कांपने लगता है और वो उम्मीद करता है बाकी उस पर नरमी दिखाएगा। लेकिन बाकी हमेशा अपने पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो तेजी से हवा में गायब हो जाता है और एक जोर का थप्पड़ रूमिना को मारता है, जिससे वो उड़कर नदी में जाकर गिरता है। जैसे ही छोटा बच्चा पानी से बाहर आता है, तभी बाकी दोस्ती के लिए हट आगे बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है, इसके दोस्तों ने उसको जबरदस्ती बाकी के साथ लड़ने के लिए भेजा होता है। वो उससे कहता है, इन लड़कों से तुम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो। तभी उनके पीछे एक फौजी को देखते हैं, जो बाकी को कहता है, उसकी फादर, जो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है, उसकी चुनौती स्वीकार कर लिया होता है। अब उस फौजी के चले जाने के बाद ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है और हवा में पंच मरने लगता है। रूमिना को एहसास होता है कि वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बाकी अपने दुश्मन के कल्पना करता है और कल्पना के अनुचर फाइट करता है। रूमिना बाकी का फाइटिंग स्किल को देखता और उसका दुश्मन को देखता है, जो कभी ना हरा हुआ बॉक्सिंग चैंपियन आयरन माइकल है। इससे भी चौंकाने वाली ये बात है कि बाकी इस एलियोजन से मार खा रहा होता है, जिस कारण बाकी के नाक से खून निकलने लगता है और इस फाइट को खत्म करने का फैसला करता है। और वो आगे बढ़ता है और एक ही किक से उसको खत्म कर देता है। बाकी रूमिना को अपने घर ले जाता है। रूमिना उसको पूछता है, वो अपने फादर से कैसे फाइट करेगा, जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है। बाकी कहता है, उसकी बेसमय में एक ऐसा ताकतवर ओपोनेंट है, ऐसा ओपोनेंट है जो कि लाइन, टाइगर, एलिफेंट और यह तक कि कैंसर भी उसकी ट्रेनर को हरा नहीं सकता है। अब वहां पर जाने के बाद बाकी फाइटिंग पोज में होता है, तभी अचानक से दीवार के पीछे जाकर गिरता है। रूमिना टेबल के पास जाता है और देखता है बाकी का ओपोनेंट एक छोटा सा मेंटिस है। रूमिना कहता है, एक छोटा सा मेंटिस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तब बाकी उसको समझाता है कि एक 80 किलो का टाइगर उसकी वजन का 4 गुना उठा सकता है। नैकिन मेंटिस अपने वजन से 100 गुना उठा सकता है। मेंटिस इस दुनिया में आसानी से कुछ भी कुशल सकता है। जब मेंटिस इंसानों के आकार जैसा होता, बाकी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक से 90 किलो का एक मेंटिस क्रिएट करता है। पहले भी यही ही किक उसे करती थी। नैकिन उसको पीछे की तरह पुश होता है, वो चौंक जाता है और मुश्किल से ही रिएक्ट करता है। वो फिर से किक मारने की कोशिश करता है। नैकिन मेंटिस उस किक को अचानियों से रोक देता है और उसको दीवार के तरफ फेंक देता है और दीवार टूट जाता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ाती है, रूमिना को मेंटिस का बड़ा आकार देखने लगता है। वो देखता है बाकी उस हमले से बसकर मेंटिस के गर्दन पर किक मारता है। इससे मेंटिस का कोई नुकसान नहीं होता है।